प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा करते हुए एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री का फैसला संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। संगठन से जुड़े पार्टी कार्यकर्ता जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने को तैयार है, उसमें कार्यकर्ता सबसे बड़ी ताकत उभर कर सामने आएगा। इस मौके पर सतीश पूनिया से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने। राजस्थान की राजनीति में हर कोई जानता है कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, या तो जनता ने मानस बनाया, लेकिन जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सतीश पूनिया ने जिम्मेदारी संभाली है, कार्यकर्ताओं में नया करंट है। वो करंट पैदा करने के साथ में अगर इस वक्त अगर देखें पूरे राजस्थान के अंदर हर गली मोहल्ले ढाणी के अंदर जिस तरह का माहौल वातावरण बन रहा है उसको देखते हुए ये देखना है कि कांग्रेस जो कह रही है मिथक टूट जाएगा, उस पर बात करते हैं। आपको लगता है कि मिथक टूट पाएगा? नहीं, मिथक टूटने जैसे कर्म कांग्रेस के हैं ही नहीं। राजस्थान में 90 के बाद जो धारणा की राजनीति चली है, जन धारणा, वो जनता तय करती है, वो कोई नेता राजनेता या अफसर तय नहीं करता। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी जो इस समय बड़ी प्रबल है, और तीसरी जो है वो मुझे लगता है कि जो पार्टी का अपना जो नेटवर्क है, जो कार्यकर्ता है, उसकी जो ताकत है, उसके आधार पर, खूबियों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से सत्ता में आएगी, कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी। ऐसा क्या आप कार्यकर्ताओं को डोज देते हैं कि जहां आप जाते हैं, छोटा गांव, बड़ी ढाणी गांव, शहर, कहीं पे भी जाते हैं तो पूरी तरह से कार्यकर्ता समर्पित रहते हैं? कार्यकर्ता पार्टी की ताकत है, उसको सम्मान चाहिए, उस सम्मान को हम लोग उनको देते हैं, और इसलिए उस सम्मान के साथ वो व्यक्तिगत तौर पर भी जुड़ता है, पार्टी के संगठन के तौर पर भी जुड़ता है। कैसा होमवर्क और कैसी तैयारी है चुनाव को लेकर? चुनाव में तो मैंने कहा ना कि जनधारणा, एंटी इनकमेंसी और पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, ये तीनों कारक हैं जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन सर, जो राष्ट्रीय एक बैठक जयपुर में होने वाली है, राजधानी में, उसको लेकर के किस तरह का मसौदा रहेगा, क्या मुद्दे उसमें मंथन के लिए रखे जाएंगे? संगठन पार्टी का प्राण तत्व है, और दूसरा, क्योंकि 30 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, इस सरकार का तीसरा और सारा मिलाकर 8वां साल का कार्यकाल ये पूरा होगा, जनधन से लेकर, उज्ज्वला से लेकर, आवास से लेकर जिस तरीके की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ, उसी तरीके से श्री राम जन्मभूमि से लेकर अनुच्छेद 370 के मुद्दों का समाधान हुआ, तो कुल मिलाकर मोदी जी का नाम और काम ये पार्टी को अतिरिक्त ताकत देते हैं, और इसलिए हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं इस बात के लिए कि पार्टी चुनाव की तैयारियों के लिए पूरे तरीके से मुस्तैद है। जो पदाधिकारियों की और जो बैठक होगी उसमें राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों का चिंतन होगा। सर, एक आखिरी सवाल आपको लेकर के, कार्यकर्ताओं में अब उत्साह बढ़ गया है, खासतौर पर वो एक नए फ्रेम में आपको देखना चाहते हैं चुनाव के बाद में, क्या आपके भी कुछ इस तरह के ख्वाब है? नहीं, ख्वाब मायने नहीं रखते, आपका समर्पण और निष्ठा मायने रखती है। हमें ये सिखाया जाता है कि पार्टी का नेतृत्व जो तय करे उसको स्वीकार करें, इसलिए हमारी कोशिश है 2023 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आए। ये काम संसदीय दल का है, जिसकी चिंता न मुझे करनी है न किसी और को करनी है, पार्टी का संसदीय दल जिसको तय करेगा उसको सब स्वीकार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अनुशासन की प्रतिमूर्ति सतीश पूनिया ने साफ तौर पर, निष्ठा, लगन और कार्यकर्ता जो है वो उनकी ताकत है, उसी ताकत के बूते वो आगे बढ़ रहे हैं, पार्टी को आगे लेकर के जा रहे हैं। कैमरा विजय के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।